केदार के साथ है। मनमोहन सिंह अब की बार मोदी सरकार नहीं, बार बार मोदी सरकार। प्राउड टू से मैं भी चौकीदार हूँ। जय हिंद। मैं आप लोगों को रामनवमी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही शोक प्रकट करता हूं कि 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाले बाग में भीषण नरसंहार हुआ था, उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो हत्याकांड हुआ था अंग्रेज़ों ने किया था और ये राहुल गांधी के मामा थे। भाइयों, प्रभु श्री राम जब रावण के ऊपर चढ़ाई किए, जब रावण से युद्ध लड़ने के लिए चले थे, तो दलितों को, वंचितों को, कुचलों को, अति पिछड़ाओं को साथ लेकर के चले थे, क्योंकि रावण से लड़ने के लिए उनको उन्हीं जैसे लोगों की ज़रूरत थी और उनको लगा कि मैं इन लोगों को साथ लेकर चलूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रभु श्री राम ने हमेशा सभी के साथ बराबरी करा, सभी को एक समान माना, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और उन्हीं के अनुसरण करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी जो है सो किसी के साथ भेदभाव नहीं करने का संदेश देते हुए इस धरती पर आए और एक राजपूत राजा के मदद से इंग्लैंड भाइयों, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। इस देश के अंदर जो लोग लोकतंत्र की हत्या करते हैं, इस देश के अंदर जो लोग जातिवाद करते हैं, इस देश के अंदर जो लोग लोकतंत्र की हत्या करते हैं, संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, उन लोगों को संविधान की हितैषी और सच्ची सेकुलर का दर्जा दे दिया जाता है। भाइयों, इस हमारे देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी व्यक्तियों को अपना अपना मत प्रयोग करने का मौलिक अधिकार दिया है। अभी इस चुनाव में ही नहीं, बहुत सारे चुनावों में ऐसा देखने को मिला है कि कोई व्यक्ति अगर कोई विशेष पार्टी की अनुयायी है या उनको वोट देना चाहता है तो उसको जबरन उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, दबाया जाता है, कई बार बंगाल जैसे राज्यों में हत्या भी कर दी जाती है। फिर उनको जो जिन पार्टी के कार्यकर्ता उसकी हत्या करते हैं उनको सेकुलर और लोकतंत्र का सच्चा हितैषी बताया जाता है। सेम उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो बातें हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं उसको धज्जी उड़ाने वाले लोग अपने आप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कहते हैं अपने आप को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने के लिए जब इंग्लैंड भेजा गया, जब वो इंग्लैंड गए तो एक राजपूत राजा थे, उनको जो उन्होंने उनको छात्रवृत्ति दिया, उनके मदद से वो इंग्लैंड जाकर के बैरिस्टर की कानून की पढ़ाई की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जितनी ज़्यादा बातें मैं जानता हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देना चाहते थे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करने का संदेश देते थे, जो इनके तथाकथित अनुयायी दूसरों के साथ भेदभाव करना सिखाते हैं, जातिवाद सिखाते हैं, लड़ना सिखा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कभी भी हिंदू धर्म की खिलाफत नहीं किए और कभी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, ये भी कड़वी सच है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को, पिछड़ा को, कुचलों को हमेशा साथ लेकर चलने की बात कही थी। अब आते हैं राजनीति की ओर। मोदी जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो बहुत सारी पुरानी चीज़ें थी, बहुत सारी यादें थी जिनको निखारा इन्होंने और देश को ही नहीं पूरे विश्व को उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सच्चाई से अवगत कराया, उनकी अच्छाइयों से रूबरू कराया। फिर भी मोदी सरकार को कुछ लोग दलित विरोधी बताते हैं, ये गलत है। जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग इस देश के लोगों को मारना चाहते हैं, जो लोग असल में नफ़रत फैलाते हैं,
उन लोगों को सेकुलर और देश की सच्चे हितैषी कैसे कह सकते हैं आप? कांग्रेस हमेशा हिंदुओं से नफरत किया, गाली दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुयायी, जो तथाकथित अनुयायी है, जो अपने आप को प्रोपोगंडा करते हैं कि मैं उनके अनुयायी हूँ, मैं समझता हूँ कि वो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते हैं, उनके नाम पे राजनीति करते हैं। इसका दो कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला कारण कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भी इस्लाम के साथ गठजोड़ नहीं किए। दूसरा कारण कि जो लोग अपने आप को दलित हितैषी कहते हैं, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार हो रहा होता है तो वो लोग कहीं नज़र नहीं आते हैं। नज़र आना तो दूर की बात है, उसके विरोध में एक शब्द नहीं बोलते हैं। आज फॉर एग्जांपल समस्तीपुर में हत्या हुई, दलित की हत्या हुई। देवधा गांव जयनगढ़ में दलितों को सताया गया, तिरहुता में मारा गया, रेप किया गया, डलोखड़ में रेप हुआ, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं खुलकर नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह पब्लिक प्लेस है। मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी सोचन शक्ति और बहुत समझदारी से अपना मत का प्रयोग करें। हमारा एक एक मत हमारी ज़िंदगी में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों डिसाइड करता है। इसलिए वोट देने से पहले हज़ार बार सोचें, अच्छे बुरे में फ़र्क को समझें। अगर कन्फ्यूजन हो तो गूगल पे सर्च करें, फेसबुक पे सर्च करें, न्यूज़ देखें, अपने दोस्तों से बातें करें। सारी बातें सोच विचार करके, 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार सोच करके किसी एक व्यक्ति को वोट दें, एक पार्टी को वोट दें। कम से कम कांग्रेस जैसे देशद्रोही पार्टी को तो वोट नहीं दीजिए। चाहे आप दलित हों, चाहे आप सवर्ण हों, चाहे आप OBC हों, EBC हों। करनी सेना ने नोटा दबाया और वहाँ पे राजस्थान में हत्याएं होने लगी हिंदुओं की। जय श्री राम, जय भीम, जय हिंद, जय भारत।